गुड मॉर्निंग। इस फटे हुए बांस जैसी आवाज के साथ और इस सूजे हुए मुंह के साथ ज्यादा बोलूंगी नहीं मैं आज, बस ऐसे ही बीच बीच में क्लिप्स डाल दूंगी। मेरा बच्चे को भी आज मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि सुबह उसको भी फीवर था, अगेन 100 था, फिर उतर गया अभी दवाई दी तो। अभी अपना बैग जमा रही है वो। बारिश चल रही है बाहर, रात थोड़ी ना सकती। नहीं जा सकते बारिश की वजह से, बीमार पड़े हो तुम तो। भीगे थे ना उस दिन। नया छाता लाइए मी का। मेरा बच्चा नहा लिया वैसे, मेरा बच्चा ना गुड गर्ल है। इसके कैलेंडर में फोटोग्राफ्स चिपका रही है स्कूल में, लगता है ना ये। तबीयत तो एक्चुअली ठीक नहीं है अभी, मेरा फेस कितना स्वेल कर रहा है। फिर भी जरूरी है वीडियो बनाना तो, क्योंकि इट्स लाइक माई वर्क। तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बनाया था, व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट फ्रॉम अर्बेनिक। देख लेना, ये वाली शर्ट है। आज इतनी अच्छी नहीं लग रही है, चेहरा थोड़ा सा स्वेल कर रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है। मीहू की तबीयत अभी बेटर है, तो मीहू फोन दिख रही है, उसका एग्जाम की तैयारी तो उसने कर ली, पर आज वो जा नहीं पाए स्कूल। आज सुबह उसको बहुत फीवर था और मेरा तो गला आवाज़ से आपको लग ही रहा है। और दो टी शर्ट और मंगाई है मैंने अर्बेनिक से, वो जब आएगी तब दिखाऊंगी। चाहिए रहती है मुझे टी शर्ट और शर्ट में, वही यही सब मैं पहनती हूँ मोस्टली। तो इसलिए कितना ही मेकअप कर लो आप, अगर बीमार हो तो अच्छे दिखते, तो चेहरा एकदम मुरझा नहीं गया मेरा, फूल गया। लोगों का मुरझा जाता है, मेरा फूल जाता है, ऐसा हो गया है। तभी मैं सोऊंगी अब थोड़ी देर। और एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, आज अचानक से ना मेरी एक वीडियो पे ब्लॉक नंबर #17 चेक करना, उस पर ना एज मेरे को एक कम्युनिटी गाइडलाइन टाइप कुछ आया है, एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको मेरी वीडियो को, बाद में उन्होंने हटा भी दिया क्योंकि मैंने अपील की। मैंने कहा मेरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बच्चे नहीं देख सकते। मेरे खुद की एक 10 साल की बच्ची है, तो वो देख, अगर वो नहीं देख सकती तो फिर कोई बच्चा नहीं देख सकता, फिर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगी नहीं। मतलब जहाँ पे एक्चुअली जो कंटेंट ऐसे होते हैं, देर आर सो मच कंटेंट अवेलेबल ऑन इंटरनेट जो बच्चों को देखना ही नहीं चाहिए, बट दे आर नॉट एज रेस्ट्रिक्टेड, एंड माई कंटेंट गॉट एज रेस्ट्रिक्टेड। उसके बाद मैंने अपील की, उन्होंने फिर दोबारा देखा, फिर उन्होंने उस पर से एज रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। आप देखना वो ब्लॉग नंबर #17 करके, जिसमें मैंने सिर्फ अपनी साड़ियों की दुकान खोली हुई है, उस कंटेंट को उन्होंने एज रिस्ट्रिक्ट किया था, पता नहीं क्यों। क्योंकि क्या होता है ना, ये मशीन मेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इसमें, ये यूट्यूब पे ये लोग ना मशीन मेड होता है, मतलब मशीन सिस्टम चलता है इनका, मशीन इंटेलिजेंस है। तो मशीन इंटेलिजेंस को ने पढ़ लिया दो शब्द साड़ी खोल, उसमें से दो शब्द निकाल लिए, साड़ी खोल एंड इसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, साड़ियों की दुकान खोल ली, ऐसा पूरा नहीं पढ़ा उसने। बाद में फिर उसको मैन्युअली उन्होंने ठीक किया। सी मशीन लर्निंग सिस्टम भैया, पढ़ लो ठीक है, ये होता है मशीन लर्निंग में। कभी 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 हमको लगता है ना कि थोड़े दिनों बाद तो मशीन लर्निंग सिस्टम आने वाला, सब आ ही गया, खैर सब कुछ मशीन लर्निंग पे ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इंसान की भी ज़रूरत पड़ती है, जब इंसान देखता है ना चीज़ें तब समझ में आता है अरे इसमें तो कुछ गलती थी ही नहीं। फिर उन्होंने उस पर से मेरा एज रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, और सॉरी का मेल भी आया उनकी तरफ से मुझे कि आपको जो इनकन्वीनियंस हुई उसके लिए दिया सॉरी। तो आप देखना हो कि उसमें क्या है ऐसा एज रेस्ट्रिक्शन वाला। वैसे गलती उनसे नहीं हुई है, उनके मशीन लर्निंग सिस्टम से हुई है जो बाद में उन्होंने रेक्टिफाई की। तो 2 मिनट के लिए तो इंसान घबरा जाता है ना, मैं तो घबरा गई। मैंने कहा अभी तक मेरा कुछ हुआ नहीं और अभी से मेरे कंटेंट को अब वो एडजस्ट करने लगे, टेंशन हो गई मुझे। इतना इतना इजी नहीं होता वीडियोस बनाना और वीडियोस एडिट करना, फिर वीडियोस अपलोड करना। सबको लगता है तो बस ऐसे फ्री फोकट बैठी रहती है घर पे और वीडियोस बना रही होती है, देयर इज अ मोटिव बिहाइंड इट। और कुछ लोगों को पता होता है ये मोटिव, कुछ को नहीं पता, बट जिनको पता है दैट्स ओके, जिनको नहीं पता उनको मैं भी नहीं बताऊंगी। जब मेरे एक्चुअली मोटिव मेरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं बताऊंगी। कोई मतलब ऐसा, अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है ना तो भी आपको वीडियो बनानी पड़ती है, यू नो, इसलिए बनानी पड़ती है ताकि यहाँ पर कोई गैप ना आए वीडियो बनाते बनाते।
आज भी मैंने एक वीडियो बनाई है, एक शॉर्ट ही बनाया है। पिछले 3 दिन में मैंने शॉर्ट्स ही डाल दिए। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं हो पा रहा तो चलो शॉर्ट्स ही डाल दो। इट्स लाइक इट इज माई वर्क एक्चुअली एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क अ लॉट, नो प्रॉब्लम। पर वही है कि इसमें यह भी है कि आप बीमार भी हो गए तो भी आपको रोकना नहीं पड़ता है काम। यू हैव टू कीप डूइंग इट, यू कांट टेक अ डे ऑफ। इसमें ऑफिस में तो चलो सर मैं नहीं आ रही छुट्टी, नहीं इधर नहीं, इधर कोई छुट्टी नहीं, बट दैट्स ओके, ये चलता है, वो नहीं चलता था। सो एंड आई डोंट टेक माई वर्क लाइटली, ना यहाँ पे लेती हूँ कभी, और ना जब मैं जॉब में थी तब लेती थी कभी, बट पीपल यूज टू टेक मी लाइटली, तो देन आई यूज टू टेक देयर वर्क लाइटली। तो वो तो टिट फॉर टिट सिचुएशन मेरे साथ, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं इफ समबडी इज टेकिंग मी लाइटली आई विल टेक देम लाइटली, जाओ। और मैं अपने काम को हमेशा बहुत ज़्यादा शिद्दत से करती हूँ, चाहे कोई भी काम हो मेरा। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि तो आपको लगेगा क्या फटे बास की आवाज़ में बोले जा रही है, चुप कर। तो मैं चुप करती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे। इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना। बाय।